अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिम पठान, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अलीगढ़ बजीज एंड फिंचेस। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्पेंगल बजीज के ऊपर। दोस्तों जिस तरीके से मार्केट की डिमांड दिन बर दिन चेंज हो रही है, उसी तरीके से दोस्तों हम लोगों को भी अपने बर्ड की हॉबी में चेंजिंग लाना चाहिए। ये नहीं है कि जो हम शुरू से रखते हुए आ रहे हैं बस हम वही रखे हुए हैं, तो इससे होगा क्या कि हम लोग काफ़ी पीछे रह जाएंगे। दोस्तों हम सभी को मार्केट डिमांड पर और बर्ड हॉबी पर नज़र रखनी चाहिए कि लाइव अपडेट क्या चल रहा है, आजकल कौन से बर्ड की डिमांड ज़्यादा है, तो उसी पे हमको फोकस करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो बर्ड आउट ऑफ मार्केट हो चुका है कि उसको हम ना रखें। अगर हमारे पास पहले से कुछ पेड़ रखे हुए हैं तो कोशिश करें कि उसको क्वांटिटी में ना रखकर थोड़ा सा रख लें अपने शौक में, बाकायदा उसको काफ़ी क्वांटिटी में ना रखें। अगर क्वांटिटी में रखना चाहते हैं तो उस बर्ड को रखें जिसकी मार्केट में हमेशा डिमांड हाई रहती है। दोस्तों आप तो जानते हैं कि मैं बजीज पे वर्क करता हूँ, ठीक है, साथ में कुछ लवबर्ड्स भी हैं, कुछ दूसरी म्यूटेशन भी है, लेकिन यहाँ बात करेंगे बजीज की। तो बजीज में मैं ये देखता हूँ कि ज़्यादातर मेरे पास जो कॉल्स होती हैं वो डिमांड उनके पास बजीज पैरेट में या तो रेनबो की होती है या स्पेंगल की या फिर रेड आई की। तो ये तीन तरीके का जो बजीज हैं इसकी डिमांड मैं हमेशा हाई देखता हूँ अपने पास। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैंने नॉर्मल बजीज अपने पास से ख़त्म कर दिए, सब हटा दिए, और जितने भी आपको ये नज़र आ रहे हैं स्पेंगल बजीज, इसमें दोस्तों कुछ मेरे घर की ब्रीड है और कुछ दोस्तों इम्पोर्टेड ब्लड लाइन के स्पेंगल्स हैं मेरे पास। ये आपको देख रहे हैं बड़े साइज में और अच्छे कलर में, मोस्टली बाहर के मंगवाए हुए बर्ड है मेरे पास। अब मुझसे सवाल ना पूछने लग जाना कि आज़म भाई इम्पोर्ट कैसे करवाया, तो भाई मैंने कोई डायरेक्ट इम्पोर्ट नहीं करवाया है। जो कुछ लोग बजीज रखते हैं, जो इम्पोर्टेड ब्लड लाइन के बजीज रखे हुए हैं, जिन्होंने कभी पहले इम्पोर्टेड ब्लड लाइन के बर्ड कहीं से अरेंज करवाए हों, तो उनके यहाँ की ब्रीड मेरे पास आई हुई है। तो माशाल्लाह ये सारे अच्छे कलर में, अच्छे साइज में और स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन में बर्ड्स हैं, जो कि सारा कलेक्शन मेरे पास इस टाइम मौजूद है। अब इसकी मैं ब्रीड लेने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ, ठीक है, जुलाई के लास्ट तक मैं इनसे ब्रीड लेना स्टार्ट कर दूँगा। तो दोस्तों कोशिश आप करें कि अपना अगर नया कलेक्शन बनाने वाले हों बजीज पैरेट का, फॉर एग्जांपल दोस्तों काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि बजीज पैरेट का ब्रीडिंग का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ फार्म डालना चाहते हैं बजीज पैरेट का, लेकिन आजकल ज़्यादातर बजीज पैरेट जो है वो नॉर्मल बजीज पैरेट आते हैं, ठीक है, ग्रीन हुआ, ब्लू हुआ, वाइल्ड हुआ, तो इस तरीके के जो नॉर्मल कलर्स हैं वो मार्केट में इस टाइम फिट चुके हैं, उसकी डिमांड एक तरीके से ख़त्म हो चुकी है, हर बंदा उस पर हाथ नहीं रखता है और उसका रेट भी काफ़ी गिर चुका है। तो अगर आप अच्छे कलर में जैसे कि स्पेंगल्स है, रेनबो है, रेड आइज हैं और अच्छे कलर में जो पाइड होते हैं वो हैं, तो अगर आप उनको रखकर उनकी फार्मिंग करते हैं एज अ बिजनेस पर्पज़ या एज अ हॉबी, तो आप कभी घाटे में नहीं रहेंगे, हमेशा आपका एक एक बर्ड आसानी से सेल होगा। और दोस्तों जो सेल करने के लिए बर्ड अपने पास नहीं रखते, जो ब्रीडिंग सेल करने के लिए नहीं करवाते, सिर्फ अपना शौक पूरा कर रहे हैं और उनको इकट्ठा करते हैं, उनको अच्छे लगते हैं बर्ड, तो उनके लिए भी ये अच्छे कलर काफ़ी बेहतरीन रहते हैं उनके लिए, क्योंकि जितना खूबसूरत बर्ड होगा, जितना अच्छी म्यूटेशन का बर्ड होगा वो उसके यहाँ उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा उसको, तो उसका कभी भी बर्ड से मन नहीं भरेगा। तो हमको क्या चाहिए कि हर दो तीन साल के बाद कुछ ना कुछ मार्केट में एक नई चीज़ हमको लेनी चाहिए, ये नहीं कि आप पुरानी चीज़ को लेके चल रहे हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने इस बार अपने पास जो कलेक्शन किया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बजीज पैरेट में मेरे पास क्या क्या कलेक्शन है। दोस्तों मेरे पास रेनबो बजीज का कलेक्शन हो चुका है, मेरे पास स्पेंगल बजीज का कलेक्शन हो चुका है, मेरे पास रेड आई बजीज का कलेक्शन हो चुका है, और मेरे पास एक से एक अच्छे कलर के जो पाइड होते हैं ना उसका कलेक्शन भी हो चुका है। अब दोस्तों इस साल हम इस पर वर्किंग करेंगे और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बर्ड रखे हैं हमने, हर कलर में और हर म्यूटेशन में। ये दोस्तों मीडियम म्यूटेशन हो गई बजीज की। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा अगले साल का वो हम बाद में आपके सामने रखेंगे, लेकिन वो बर्ड भी मार्केट में अच्छे दाम के और अच्छे क्वालिटी के और अच्छे कलर में आपको हम लेकर आएंगे। इस साल दोस्तों हमने स्पेंगल बजीज का ही 60 पेयर का सेटअप लगा दिया है, यानी कि 60 पेयर हमारे पास स्पेंगल बजीज हैं। तो दोस्तों मोर देन 60 पेयर, लेकिन मैं 60 पेयर मान के चलता हूँ, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 25 से 30 पेयर हमारे पास रेनबो बजीज का कलेक्शन एक तरीके से हो चुका है, क्योंकि कुछ मेरे पास आ चुके हैं और कुछ आने वाले हैं, वो सभी इम्पोर्टेड ब्रांड लाइन के मेरे पास रेनबो बजीज होंगे। अब दोस्तों एक अगली वीडियो जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो बहुत जल्दी दिखाऊंगा, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रेड आई बजीज होगा, उसमें रेड आई भी होगा, फेलो भी होगा, अल्बिनो, क्रीमिनो, ठीक है, लुटिनो, ये सारा कलर आपको देखने को मिलेगा एक ही कॉलोनी के अंदर, वो भी एक क्वांटिटी के साथ।
तो दोस्तों जब भी बर्ड रखें, अच्छा बर्ड रखें, अच्छे कलेक्शन का रखें। और मेरी नज़र में स्पेंगल बजीज का इस टाइम बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, अच्छे भी लगते हैं काफ़ी, आपको नज़र आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा साइज़ भी हो जाता है इनका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और हमारे जो स्पेंगल का जो कलेक्शन है जो मैंने आपके साथ आज शेयर किया है, ये सारे बर्ड भी आपको अच्छे लगे होंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, एक कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे लगे बर्ड, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सरप्राइज के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।